कानपुर नगर और कानपुर देहात क्षेत्र में घूमकर लूट करने वाले दो लुटेरों को घाटमपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। रील बनाने वाले शातिर लुटेरों को कानपुर साउथ पुलिस ने किया गिरफ्तार। कानपुर, अवैध असलहे लेकर लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले दो शातिर लुटेरों को घाटमपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्यवाही की। दोनों शातिर लुटेरे रील बनाने के बहाने महिलाओं को अपना शिकार बनाते थे। घटना की जानकारी देते हुए डीसीपी साउथ अंकिता शर्मा ने बताया कि घाटमपुर पुलिस द्वारा दो ऐसे लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है जो रील बनाने के बहाने बच्चे को गोद में लिए महिलाओं को अपना शिकार बनाते थे, जिससे बच्चा गोद में होने के चलते महिलाएं लूट के दौरान इन लुटेरों से हाथापाई न कर सके। एडीसीपी अंकिता शर्मा ने बताया कि ये लुटेरे पल्सर बाइक में बैठकर घटना को अंजाम देते थे। एडीसीपी अंकिता शर्मा ने बताया कि घाटमपुर पुलिस द्वारा किशन गुप्ता और सुमित गौतम नाम के दो लुटेरों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से दो जोड़ी सोने के झुमके, 15,500 रुपए और लूट की घटना में प्रयोग की जाने वाली UP77AM0732 नंबर की पल्सर भी बरामद की गई है, जिसके लिए डीसीपी साउथ सलमान ताज पाटिल द्वारा घाटमपुर पुलिस को 20,000 रुपए पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। एडीसीपी ने बताया कि पकड़े गए दोनों अभियुक्त पेशेवर लुटेरे हैं, जो कानपुर नगर और कानपुर देहात की सीमाओं में घूमकर लूट की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। किशन गुप्ता के ऊपर कानपुर देहात से गैंगस्टर अधिनियम का मुकदमा भी दर्ज है। दोनों शातिर लुटेरे सोमवार की सुबह चेकिंग के दौरान घाटमपुर पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। इनको पकड़ने में उप निरीक्षक हरीश यादव, उप निरीक्षक अखिलेश कुमार, उप निरीक्षक आदेश कुमार, उप निरीक्षक संदर्भ शेखर, कांस्टेबल अनिल कुमार, कांस्टेबल अखिलेश कुमार, कांस्टेबल अंकुर कुमार, कांस्टेबल मोनू कुमार के साथ कांस्टेबल धर्मेंद्र तिवारी के द्वारा मुख्य भूमिका निभाई गई। आरटीआई न्यूज 24 के लिए सूरज कश्यप की रिपोर्ट। एसीपी घाटमपुर के नेतृत्व में थाना घाटमपुर की पुलिस ने एक बहुत अच्छा गुड वर्क किया है। पिछले कुछ दिनों से घाटमपुर सर्कल के कई थानों में और जनपद कानपुर देहात के कई थानों में एक गैंग एक्टिव था, जो कि महिलाओं के कानों के झुमके या बाली छीन लेता था। ये जो सीसीटीवी फुटेजेस और बाकी इन्वेस्टिगेशन से सामने आया था, ये दो लोग एक पल्सर बाइक पर घूम घूम कर ये घटनाओं को कारित करते थे। जो भी महिलाएं या तो मार्केट से सामान खरीद के ला रही होती थी या बच्चे को गोद में लेकर घूम रही होती थी, उनके पास बाइक ले जाके दोनों कानों के कुंडल एक साथ खींच लेते थे, जिससे कि महिला को चोट भी आती थी और फिर ये लोग फरार हो जाते थे। तो थाना घाटमपुर की पुलिस ने ये बहुत अच्छा गुड वर्क किया है। इसमें दो अभियुक्त पकड़े गए हैं, सुमित गौतम और किशन गुप्ता, जिसमें से किशन गुप्ता पहले भी कई बार जेल जा चुका है और उसके ऊपर जनपद कानपुर देहात से गैंगस्टर अधिनियम का मुकदमा भी पंजीकृत है। इस पूरे घटना के अनावरण के लिए डीसीपी सर के द्वारा इस टीम को 20,000 रुपए का इनाम दिया गया है। जी, अभी तक की पूछताछ से ये सामने आया है कि ये लोग दोनों बाइक पर घूमते थे, पल्सर बाइक पर, और घूमते हुए ये लोग लगातार रील्स बनाते रहते थे, जिसको ये लोग अपने इंस्टाग्राम पेज पर पोस्ट करते थे। इनके पास से दो जोड़ी बाली और लगभग 15,000 रुपए बरामद हुए हैं और घटना में यूज करने वाली पल्सर बाइक भी बरामद हुई है, जो कि अभियुक्त किशन गुप्ता के भाई के नाम पर है। अभी तक इन लोगों ने कई घटनाओं को अंजाम दिया है, जिसमें कि अभियुक्त किशन गुप्ता के ऊपर 7 मुकदमे अभी तक पंजीकृत हैं और अभियुक्त सुमित गौतम के ऊपर 5 मुकदमे पंजीकृत हैं। ये मोस्टली महिलाओं को निशाना बनाते थे और वो महिलाएं जिनके मोस्टली हाथ ऑक्यूपाइड रहते थे, जैसे कि वो बाजार से कुछ सामान खरीद के ला रही हैं या उनके गोद में बच्चा है, जिससे कि उनका रिएक्शन टाइम बढ़ जाता था और ये लोग आसानी से उनके कानों का कुंडल या बाली छीन कर भाग जाते थे। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आरटीआई न्यूज 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।